वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की ब्रेड या फिर दही वाली ब्रेड। बहुत ही आसान और टेस्टी सा नाश्ता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फ्रेंड्स, यहाँ एक बोल में मैं सूजी और दही को मिक्स करके 15 मिनट पहले रख लिया है, नमक स्वाद अनुसार डाल लिया है। यहाँ मेरे पास है बारीक कटे टमाटर, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी प्याज और बारीक कटी हरी मिर्ची। इन सबको मैंने रात को ही कट करके रख लिया था। इनको सूजी में डालूंगी और साथ में हम लेंगे ब्रेड, इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, पर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। और साथ में इन सारी की सारी सब्जियों को जो मैंने कट की थी, इनको मैं मिक्स करके इस तरह से ब्रेड पे लगा लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से लगा लीजिए, सारी ब्रेड को ऐसे कर लीजिए, एक एक करके मैं सब पे लगा रही हूँ। ये देखिए सब पे मैंने लगा लिया है। फ्रेंड्स, अब इस तरफ मैंने अपना तवा गर्म होने रख दिया है, ये गर्म हो गया। इस पर थोड़ा सा मैंने घी, आप तेल जो चाहे ऑप्शनल है, कुछ भी लगा सकते हैं, मैं घी लगा रही हूँ। और मैं इस पर जितनी ब्रेड इसमें आएंगी एक बार में, उतनी मैं रख दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें सुबह नाश्ते में बनाना चाहें तो इसको रात को ही आप वेजिटेबल सारी चॉप करके रख सकते हैं फ्रिज में, मॉर्निंग में फटाफट से झटपट से, सिर्फ 15 मिनट में बन जाएगा अगर आपके पास सारी चीज़ें रेडी हैं तो। इनफैक्ट मैं तो कितनी बार सूजी और दही भी रात को ही मिक्स करके रख देती हूँ। ये ऊपर से मैंने घी लगा लिया है थोड़ा सा, और थोड़ी देर के बाद मैं इसे टर्न कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इनकी जगह भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह गर्म होता है तवा तो सबका इक्वल सिका हो जाएगा। ये देखिए अब टर्न कर लेते हैं फ्रेंड्स। वैसे इधर से अभी अच्छे से नहीं सिका है, पर क्या है ऊपर घी लग जाएगा ना, घी लगा के वापस से पलट के हम लोग इसको सेक लेंगे। तब तक नीचे से इसको हम अच्छे से कुक होने देते हैं, क्रिस्पी सा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन पे भी घी लगा लिया मैंने पूरे पे। अब थोड़ा थोड़ा सा इनको मैं दबाऊंगी नीचे की तरफ से हो जाए, सिक जाए, फिर उसके बाद इनको टर्न करूंगी। और नीचे से भी हम यहाँ से भी थोड़ा सा और कुक होने देते हैं फ्रेंड्स, और इसको फटाफट से मैं हाफ हाफ कट करके प्लेट में निकाल लूंगी। तो आज का मेरा नाश्ता तैयार है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए कैसा बना। तब मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। बाय।